गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो अभी अभी एक ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है आउट सेमेस्टर एग्जाम्स के रिजल्ट को लेकर, तो इस वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहें। चलो शुरू करते हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा, GNDU आउट सेमेस्टर एग्जाम्स के रिजल्ट डेली पब्लिश हो रहे हैं GNDU की ऑफिशियल वेबसाइट पर, और फर्स्ट सेमेस्टर वाले जितनी भी क्लासेस का रिजल्ट पब्लिश हुआ है वो इनवैलिड आ रहा था। और जो अभी अभी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है वो ये है कि एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट ने एक न्यू ऑप्शन ऐड किया है आपके रिजल्ट सेक्शन में, CBGS न्यू। तो इस ऑप्शन में सभी फर्स्ट सेमेस्टर क्लासेस के रिजल्ट पब्लिश होंगे जो पास कोर्स में होने थे। ये न्यू ऑप्शन आया है ग्रेडिंग सिस्टम रिजल्ट के लिए। ग्रेडिंग सिस्टम इसी सेशन से शुरू हुआ है 2023-2024 से, तो इसलिए पहली बार GNDU यूनिवर्सिटी के रिजल्ट इतनी ज़्यादा लेट हो गए हैं। और अब तीन ऑप्शंस हैं, पास कोर्स, CBES और CBGS न्यू। तो पास कोर्स में थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर के रिजल्ट पब्लिश होंगे, और जिनकी फर्स्ट सेमेस्टर में सप्ली होगी उनका रिजल्ट भी पास कोर्स में आएगा, और सेकंड सेमेस्टर में जिनकी सप्ली होगी उनका रिजल्ट भी पास कोर्स में आएगा। और CBES में यूनिवर्सिटी कैंपस के स्टूडेंट्स का रिजल्ट पब्लिश होगा। और जो न्यू ऑप्शन आया CBGS न्यू, उसमें अब से न्यू ग्रेडिंग सिस्टम वाली क्लासेस के रिजल्ट पब्लिश होंगे फर्स्ट सेमेस्टर के, और सेकंड सेमेस्टर के भी इसी ऑप्शन में आएंगे। और दो साल के बाद पास कोर्स वाला ऑप्शन यहाँ से डिलीट कर दिया जाएगा। तो यही ब्रेकिंग न्यूज़ आई है अभी अभी कि CBGS न्यू ऑप्शन ऐड हुआ है फर्स्ट सेमेस्टर क्लासेस के रिजल्ट के लिए। और जितने भी रिजल्ट पेंडिंग हैं फर्स्ट सेमेस्टर के वो इसी मंथ में पब्लिश हो जाएंगे, मतलब कि अप्रैल मंथ में ही। और आप सबके रिजल्ट ग्रेड में शो हो रहे हैं, और ग्रेडिंग सिस्टम पर हमने पहले ही वीडियो बनाकर आपको समझा दिया था। और जिनका रिजल्ट इनवैलिड आ रहा था उनको हमने पहले ही बता दिया था कि आप 15 दिन वेट करो, आपका रिजल्ट शो होने लग पड़ेगा। और आज 4-5 क्लासेस का रिजल्ट शो होने लग पड़ा है न्यू ऑप्शन में, और बाकी भी जल्दी ही शो होने लग पड़ेंगे। आप सब इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो सभी स्टूडेंट्स के साथ, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना। थैंक यू।